चलिए, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में, और उस पीरियोडिक टेबल की बात जब हुई थी तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या पढ़ा था? हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से मोजले के बाद जो है वो बोर बरी स्कीम आई, फिर किस तरह से वर्नर और रेंग आए जिन्होंने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल दी, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से किस तरह से पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग करी, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से नए जो एलिमेंट थे वो खोजे गए और IUPAC के हिसाब से उनका नाम दिया गया था, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको दे दे और आपसे पूछे कि बताओ ये कौन से ग्रुप का है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं जरा देखो। अगर मेरे से स्टेप वन देखना, अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर मुझे दिया हुआ है 58 से लेके लुटीशियम 71, ये सीरियम था याद हो तो यानी कि अगर 58 है और 71 तक जा रहा है वो 59, ठीक है, ऐसे तो ये फिक्स हो गया कि ये 4F सीरीज का मेंबर है, ये फिक्स हो गया कि ये 6th पीरियड का है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये फिक्स हो गया कि ये 6th पीरियड का है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे को एटॉमिक नंबर क्या दिया जाए, थोरियम 90 और 90 के बाद लॉरेंशियम 103 तक, अगर 103 तक दिया जाए तो ये फिक्स हो गया कि ये 5F सीरीज है, और ये फिक्स हो गया कि ये 7th पीरियड का है, ठीक है। और ये F ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी फिक्स हो गया, इनका जो ब्लॉक है वो कौन सा होगा, F ब्लॉक, और ये आपका उसमें से फिक्स है कि लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है, क्लियर सबको। तो ये आपका लेंथेनाइड हो गया, ये आपका एक्टिनाइड हो गया, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर Z 71 से क्या हो, बोलो 57 से, मतलब समझ जाना यार, ज्यादा या कम देगा तो आप अपने आप ही कर लोगे, ठीक है ना, ये आपके फिक्स हो गया। अब इनका जो ग्रुप था वो आपको याद हो तो 3B ग्रुप के थे ये, यानी कि अगर आपसे कोई भी लेंथेनाइड पूछे तो उसका ग्रुप 3B फिक्स है, और अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्टिनाइड कौन से ग्रुप के हैं तो उनका भी ग्रुप फिक्स है, क्या है उनका, 3B। तो 3B जो होता है वो लार्जेस्ट ग्रुप होता है, 3B कैसा होता है, लार्जेस्ट ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप वन हो गया, अगर 58 दे दिया 59 तो आप खट से बोल देंगे 58 से लेके 71 तक ग्रुप 3B, 71 तक पीरियड 6, दो चीजें फिक्स हो गई। तो 90 से लेकर 103 तक अगर आ गया, तो 90 से लेकर के अगर 103 तक आ गया तो ये फिक्स हो गया कि वो 3B और उसका पीरियड 7th, क्लियर सबको। तो ये आपका स्टेप वन हो गया एफ ब्लॉक का, ठीक, पक्का नोट कर लो इसको, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से। हो गया, अब स्टेप टू, अगर मान लो आपको 103 के बाद 104 से लेकर के 118 तक आ गया तो, या 117 तक एलिमेंट आ गया तो, 104 से लेकर के 117 तक अगर आ गए
तो ये फिक्स हो गया कि ये सेवंथ पीरियड का है। क्यों? क्योंकि ये सेवंथ पीरियड के होंगे, क्योंकि 103 के बाद 117 तक जा रहे हो आप, तो सेवंथ पीरियड ही आएगा। आया ना? अब एक खास बात पूछो क्या, कि अगर आपसे ये पूछा गया, बोलो, अगर आपसे ये पूछा गया कि इनका ग्रुप कौन सा है, तो आपको ग्रुप बताना है। बताओ, जल्दी सोचो कौन सा ग्रुप होगा। ग्रुप 118 भी ले सकते हो, एक ही बात है, 118 कौन सी हो जाएगी, नोबल गैस। ग्रुप अगर निकालना हो तो लास्ट टू डिजिट, ये देखो, ये लास्ट टू डिजिट, ये लास्ट टू डिजिट जो होगी वही उसका क्या हो जाएगी, ग्रुप। ठीक है, लास्ट टू डिजिट, और ये जीरो का काउंट होगा नहीं, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ ग्रुप का, सॉरी। और ये आपका काउंट होगा नहीं, तो ये कौन सा है, 18, यानी हेलोजन फैमिली का। कल आईयूपीएससी के हिसाब से चले थे ना अपन, तो आईयूपीएससी के हिसाब से क्या हुआ था बताओ, आईयूपीएससी के हिसाब से ये हुआ था कि आईयूपीएससी ने कहा था कि भैया 1 से लेके 18 तक होते हैं एलिमेंट। क्या बोला जल्दी बताओ, 1 से लेके 18 तक होते हैं एलिमेंट आईयूपीएससी के हिसाब से, तो ये 1 से 18 ही चल रहा है, 18 हो गया। तो लास्ट टू ग्रुप के अंदर आपको अगर पूछा जाए तो दो डिजिट जो होगी वो हमेशा किसको बताएगी, ग्रुप को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 117। ठीक है, तो आंसर आएगा 117 है, तो कौन सा आएगा, 17th ग्रुप, और 17th ग्रुप कौन सा होता है, हेलोजन। तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि ये एलिमेंट जो होगा वो हेलोजन फैमिली का होगा। क्या बोल देंगे आप डायरेक्ट, ये हेलोजन फैमिली का होगा। अब इसी सवाल को चेंज कर देता वो, और यहां पर ये UUS लिख देता, तो आपको UUS से आपको समझना था कि U मतलब होता है अन, यानी वन, ये आपका वन, और S मतलब सेप्ट, यानी सेवन, तो आपका ये 117 हेलोजन फैमिली का है। तो आपको ऐसे निकालना है, अगर ये एलिमेंट आ जाए ऐसे अननोन, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो आप देखो कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो आंसर क्या दोगे कि ये हेलोजन फैमिली का मेंबर है। कौन सी, ये हेलोजन फैमिली का मेंबर है। क्लियर, नोट करो इसको। चलो हो गया, देखो इधर, अब अगर दूसरे एलिमेंट आ जाए नॉर्मल, तो उनका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो जो एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ, देखो स्टेप वन तो समझ में आ गया, 58 से लेकर 71, और 58 से 71 के बाद 103 से लेकर के 100, बोलो सॉरी थ्योरियम 90 से लेकर के 103 फर्स्ट स्टेप, अगर ये एटॉमिक नंबर है तो इनका फिक्स खत्म। उसके बाद आई 104 से लेकर के 118 आ गया, तो भी खत्म, फिक्स हो गया इनका। लेकिन इनके अलावा आ गया कोई एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर अगर निकालना हो, सॉरी एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर निकालना हो, तो पहले तो आप 18 करेंगे प्लस एटॉमिक नंबर करेंगे माइनस
एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, क्या बोला जल्दी बताओ, नेक्स्ट नोबल गैस। अब यहां पर एक सवाल है कि इफ वैल्यू इज वैल्यू बिकम्स नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टीड ऑफ 18। अगर वो कह रहा है कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका सम नेगेटिव आ जाए, टोटल सॉल्व करें, तो फिर 18 की जगह आपको क्या लेना है, 32, तो आपके पास वैल्यू आ जाए। जैसे मान लो आपसे पूछा आर्सेनिक, सॉरी मैंने तो एलिमेंट ही लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 32, आपसे पूछा कि 32 किस ग्रुप का है बताओ, तो आपको क्या करना है, 18 करना है पहले 32। अब 32 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है, 36 होती है, याद हो तो 36 लिखो, सॉल्व करो अब इनको फटाफट, कितना कितना आएगा देखें, चलो ट्राई करो फटाफट जल्दी, कौन से ग्रुप का है जल्दी ट्राई करो। जल्दी क्या हुआ देखो, 50 - 36 यानी 14th ग्रुप का है ये, सही है क्या, जरा देख के बताओ सही है क्या, सही है। अगर सपोज मुझे एटॉमिक नंबर दे देता आपका 8, अब 8 दे दिया सपोज, तो 8 दे दिया तो अब 8 करके बताओ, तो मेरे को क्या करना है, 18 प्लस 8, नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है 8 के बाद, दस। नोबल गैस हो गए तो याद कर लो आप एटॉमिक नंबर, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये तो याद ही कर लो आप, ये क्या होती है 2, 10, 18, 36, 54 और रेडॉन आपका 86। ये तो आपको हमेशा याद होने चाहिए भाई, वरना आप नहीं निकाल पाओगे, ये फिक्स कर लो माइंड में। चलो बताओ कितना हुआ ये जल्दी बोलो, 26 - 10 कितना बचा, 16, तो 16th ग्रुप का हो गया ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा तो कर लेंगे अब, तो सेकंड स्टेप पे नोट कर लो इसको, चलो हो गया। हो गया, अब इधर देखो, अब अगर इफ कॉन्फ्रिगेशन ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन तब कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक एलिमेंट दे दिया उसने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये आपको दे दिया और बोला कि पीरियड बताओ इसका, और आपको बोला कि ग्रुप बताओ, यानी कि कॉन्फ्रिगेशन दिया हुआ है, तब कैसे करेंगे।
तो कॉन्फ़िगरेशन अगर दे तो सबसे पहले आउटर शेल को देख लो आप, क्या बोला जल्दी बताओ। कॉन्फ़िगरेशन अगर दे तो सबसे पहले आप किसको देखो, आउटर शेल को। और अगर आउटर शेल को आपने देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन अगर दे और आपने किसको देख लिया, आउटर शेल को, तो आउटर शेल को देखते ही आपको बोलना है जो भी आउटर शेल होगा तो पीरियड नंबर जो होगा वो क्या होगा, बराबर आउटर शेल, सीधा सीधा, ठीक है, या हाईएस्ट। कभी कभी आउटर शेल में कुछ कंफ्यूजन आता है डी ब्लॉक वालों में, तो डी ब्लॉक में कंफ्यूज हो गए तो हाईएस्ट सेल ले लेंगे आप। हाईएस्ट सेल जैसे 4S आया तो फोर्थ शेल का हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पर आपका शेल नंबर बताओ कितना आया, थर्ड, तो इसका मतलब पीरियड नंबर कितना होगा इसका, थर्ड। अब ग्रुप निकालना है तो ग्रुप होता है 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन कितने, दो, दो कर दोगे तो कितना आएगा, 14th, यानी कि ये 14th ग्रुप का मेंबर है, यानी कि कार्बन फैमिली का है, यानी कि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, तो यानी ये कार्बन फैमिली का बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, कार्बन फैमिली को, क्लियर। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे तब आप कैसे निकालेंगे, पी ब्लॉक वाला, समझ में आ गया, नोट करो इसको। चलो हो गया, अब ये तो हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आइडेंटिफाई कर रहा हूं। फॉर एस ब्लॉक अगर बोले तो देखो, इफ पी इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट, पी इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, तो फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन जैसे n-2 f0 n-1d0 और ns122 अगर हो तो फिर आपको बोलना है s ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपका जीरो होना चाहिए भैया दोनों। जैसे मैंने लेके दिया x एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आ गया सपोज। अब आपसे बोला कि बताओ ये आपके कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपने देखा सबसे पहले तो ये देखो आप, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी और एस। अब वो जो एफ है वो है ही नहीं इसमें, क्योंकि अगर एफ आता तो 4F होता, ये जीरो आया, 5D होता, जीरो आया, और ये NS2 है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का है। तो पहला तो इसका ब्लॉक आ गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा बताओ, पी तो है ही नहीं, अब तो पी ब्लॉक है ही नहीं, एस ब्लॉक हो गया। अब इसका जो पीरियड है वो क्या आएगा, अभी बताया था हाईएस्ट शेल को बोलते हैं पीरियड, तो ये हाईएस्ट शेल 6 आ गया। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ग्रुप, तो ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप बराबर होता है नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना है, 2। नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो ये आपके नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। तो ये नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2, कितने आ गए, 2। इसका मतलब क्या निकला कि ये सेकंड ए का है। कभी कभी आप याद रखना, ये मेंडली पीरियोडिक टेबल से भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, सेकंड ए यानी कि 2, समझ गया आपको। और अगर थर्ड ए होता तो 13th बोलते,
थर्ड ए 13, कल बताया था आपको मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन नहीं हो तो याद रखना, वहां पर वो थर्ड ए को 13 बोलता है, फोर्थ ए को 14 बोलता है, फिफ्थ ए को 15 बोलता है, सिक्स्थ ए को 16, सेवन्थ ए को 17। क्लियर, ये याद रखना आपको। थर्ड बी जो था वहां पे वो थर्ड था, फोर्थ बी जो था वो फोर्थ था, फिफ्थ बी जो था वो, समझ गए? तो ये एस ब्लॉक हो गया, नोट करो इसको फटाफट। चलो फॉर एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की बात करें अगर, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कब होगा? जब यहां 1 से 14 होगा, ये 0 से 1 होगा और ये 2 होगा, तो इसका फिक्स हो जाता है कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप हमेशा फिक्स है थर्ड बी। कौन सा? थर्ड बी, यानी कि थर्ड ग्रुप। अभी बोला था मैंने थर्ड बी को ही थर्ड ग्रुप कहते हैं। तो आपको कभी कभी एस ब्लॉक देखने में और एफ ब्लॉक देखने में अंतर आएगा। अब यहां पर जब आप करेंगे तो थोरियम 90 में आपको बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होता है, इसमें डी का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, याद है? तो यहां आपको याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है 90 वाला, ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके पास कि थोरियम 90 है एफ ब्लॉक। दोबारा बोलो, थोरियम 90 क्या है? एफ ब्लॉक। थोरियम 90 क्या है? एफ ब्लॉक। क्लियर, नोट करो इसको। चलो एफ ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो यानी कि ऐसे बोले कि इफ एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, इनके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन हो, एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन और बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? तो अगर एन माइनस वन डी 1 से लेके 10 आ जाए और एन एस 0 से 2 आ जाए तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्या होगा वो? डी ब्लॉक। अब ये 0 क्यों लिखा? सोचो आप, पैलेडियम 46 था अगर याद हो तो, पैलेडियम 46 में S2 हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? S2। और यहां डी में 0 आ जाएगा, तो ये पैलेडियम को छोड़ करके नॉर्मल जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप कुछ और किताब में पढ़ोगे तो वहां हो सकता है 0 से 10 आ जाए। तो 0 से 10 आने का रीजन समझ में आ गया? बोलो, यहां 0 क्यों किया गया ये समझ में आया? क्योंकि यहां पैलेडियम में D10 हो जाता था, 5s0, ठीक है? तो ये क्यों किया ऐसा, ये समझ में आ रहा है? तो यहां कुछ जगह क्या करते हैं, 1 से 2 भी लिख सकते हैं, वो 1 से 2 क्रोमियम के रेस्पेक्ट में, 1 से 2। तो हमने पैलेडियम को मानते हुए 0 से 2 लिखा है ताकि पैलेडियम भी इसमें इंक्लूड हो जाए। नोट करो इसको। क्लियर, तो पैलेडियम को इंक्लूड कर लिया। अब आपसे पूछेगा इसका ग्रुप नंबर बताओ किसी एलिमेंट का, तो ग्रुप नंबर आएगा इसका N-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो x एलिमेंट है,
और उस एक्स एलिमेंट का लास्ट का कॉन्फिगरेशन उसने दे दिया 3D5 4S1। आपसे पूछा इसका ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर बताना है तो आपको 5 करना पड़ेगा प्लस 1 6, 6 ग्रुप का है ये। 6 ग्रुप को 6B भी बोलते थे, याद करो, और 6 भी क्रोमियम फैमिली का होता है, ये क्रोमियम ही है। ये एक्स क्या है? क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। नोट करो इसको, चलो। हो गया, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपने अगर बचपन के अंदर पढ़े भी होंगे, जैसे टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज्ड एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप शो करने वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो यहां सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं डायगोनल रिलेशन। कुछ सेकंड, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट जो है वो अपने ग्रुप के साथ तो प्रॉपर्टी शो करते हैं। ग्रुप का एक रूल है कि ग्रुप के सभी मेंबर सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ प्रॉपर्टी अपने डायगोनली नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से शो कर देते हैं। लाइक जैसे मैं आपको बताऊं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन और फॉस्फोरस, ठीक है। अब ये अपने ग्रुप के साथ तो शो करेगा, लेकिन कुछ पार्ट इसके साथ भी शो करता है, ये कुछ पार्ट इसके साथ भी शो करता है, ये कुछ पार्ट इसके साथ भी शो करता है, और ये कुछ पार्ट इसके साथ भी शो करता है। हमारे सिलेबस में यहीं तक है बस, तो हम यही पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको लिख भी नहीं रहा हूं, ठीक है। ये भी शो करता है हल्का सा, लेकिन उधर आते आते प्रॉपर्टी कम होती है, यानी सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहां दिखाई देता है, और यही हमारे सिलेबस में कार्बन और फास्फोरस कुछ जगह लिखा होता है, लेकिन आपको नहीं करना यार, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप मत करना ध्यान, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे, सिलेबस में नहीं है इसलिए और भी कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर सबको? डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, इसका एक कॉज पूछा जाएगा, और वह है फाई, चार्ज अपॉन साइज। फाई को नाम होता है आयनिक पोटेंशियल, इस फाई को बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सिमिलर होती है, सिमिलर का मतलब आसपास, सिमिलर का मतलब कभी भी सेम नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? सिमिलर का जो मतलब है वो सेम नहीं होता, सेम मतलब इक्वल नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। सिमिलर मतलब होता है आसपास वैल्यू है, जिसका मतलब डिफरेंस कम है इनमें आपस में। क्या बोला? डिफरेंस कम है इनमें आपस में। क्लियर? तो डायगोनल रिलेशनशिप शो कौन कौन करते हैं समझ में? एक तो यार क्या है ना, इस बार कैमरा भी नया है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं फोकस में हूं कि नहीं हूं, ठीक है, दिख रहा हूं ना। हाँ, तो आपको बोलेगा लिथियम और मैग्नीशियम क्या डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं? हाँ। बेरिलियम एल्यूमिनियम शो करते हैं? हाँ। बोरोन सिलिकॉन शो करते हैं? हाँ। क्लियर? दूसरी बात,
क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो सिमिलर होती है। एक और चीज बोल सकता वो कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, ये फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप के, ये बिहेवियर डिफरेंट क्यों शो कर रहे हैं? तो उसका रीजन है, एक तो इनका साइज बहुत छोटा है। अभी दो चीजें हमने नहीं पढ़ी आगे, एक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। दूसरा एक और प्रॉपर्टी अपन ने नहीं पढ़ी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है। क्या बोला? इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई होती है। तो यहां पर क्या रीजन अगर आएगा, ध्यान से सुनना, कि एक तो साइज छोटा होता है, ये साइज आ गया देखो, दूसरा उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो अपने ही ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं और डायगोनली वो दूसरे ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं। इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है अपने ग्रुप के साथ इधर वाले के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कम कर रहे हैं, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्योंकि दूसरी की तरह भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहलाते, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहते। थर्ड ग्रुप के जितने होते हैं, थर्ड ग्रुप मतलब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे, दैट क्या कहलाते हैं बोलो? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो सब अपने अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट तभी समझ में आता है जब आप डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप से ये क्लियर हो जाता है कि ये क्यों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं कर रहे अपने ग्रुप को, ये दूसरे के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्लियर सबको? नोट कर लो इसको। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से पीरियड के होंगे? थर्ड पीरियड के, पहली चीज। दूसरी चीज, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को एक नाम और देते हैं हम, नॉर्मल एलिमेंट्स, क्योंकि नॉर्मली वो सब शो कर रहे हैं अपने पीरियड को, अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज को। तीसरा एक और होता है, टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट्स तो जनरली एस और पी ब्लॉक के भी कहे जाते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन, सॉरी नोबल गैस, थर्ड पीरियड वाले होंगे लेकिन नोबल गैस को छोड़ के, ध्यान रखना, क्योंकि नोबल गैस का बिल्कुल डिफरेंट होता है बिहेवियर। एस और पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस कभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सॉरी ये नहीं होगी, ठीक है ना, टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, नोट करो इसको। चलो हो गया, देखो फिर से समझ लो। अभी मैंने लिखा था सोडियम, सोडियम के बाद क्या आया था बताओ? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, दीज आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। यहां तक क्लियर हुआ? टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन मत लाना, शायद मैंने बहुत सारा एक साथ बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रिलैक्स। पहला सवाल, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? टिपिकल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। ये समझ में आ गया? ये एक अलग पॉइंट हो गया। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने शायद एक साथ बोल दिया तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उन्हें टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने सभी ग्रुप की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सेकंड वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो अपने बगल वाले ग्रुप के डायगोनली बिहेवियर शो करते हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट उन्हें कहा जाता है जिनका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है। आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है तो अगर आप देखो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं,
वो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यहां पर भी वही बात आएगी एक्सेप्ट नोबल गैस, क्यों? क्योंकि इनका जो है वो फुल्ली फिल्ड भरा होता है। तो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को दो नाम देते हैं हम, एक तो नॉर्मल एलिमेंट और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होने का क्राइटेरिया क्या है कि शेल जो होता है आउटर वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, और एस और पी ब्लॉक में अगर आप देखो तो नोबल गैस ऐसी होंगी जिनका आउटर शेल भर जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, नोट करो इसको। हो गया, क्लियर? अब इधर देखो, अरे क्लियर है, इधर देखो, क्लियर है? अब यहां देखो, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, आफ्टर यूरेनियम जो होते हैं ना एलिमेंट, यानी यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं, यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। दोबारा से बोलो, यूरेनियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बताओ? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है जल्दी बताओ? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो थोरियम 90, चलो एक मिनट, पहले ये बताओ कि ये कौन से ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है ना, आपने यही पढ़े होंगे, अभी वो बाद में लिखते हैं। 93 नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंशियम 103 तक ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे। ये जो होते हैं ये नेचुरल रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेन मेड। क्या होते हैं? मेन मेड एलिमेंट है सारे के सारे। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं और मेन मेड होते हैं, ये तीनों नेचुरल रेडियो एक्टिव है। और ये आपको अगर याद हो तो ये कौन से उसके हो गए? एक्टिनाइड्स हो गए ये। एक्टिनाइड मतलब 5F सीरीज। यानी कि अगर आपसे पूछे कि एक्टिनाइड के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है तो आप बोलोगे यस, ठीक है। बट लेंथेनाइड की अगर बात करें तो लेंथेनाइड में सिर्फ एक प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, और ऑल रेडियोएक्टिव नहीं है, सिर्फ एक रेडियोएक्टिव है ये प्रोमीथियम, ठीक है। पीएम प्राइम मिनिस्टर, लेंथेनाइड प्राइम मिनिस्टर रेडियोएक्टिव। दोबारा सुन लो, एक्टिनाइड के सारे रेडियोएक्टिव हैं? हाँ। एक्टिनाइड के सारे रेडियोएक्टिव हैं? हाँ। एक्टिनाइड के सारे रेडियोएक्टिव हैं? हाँ। लेंथेनाइड के सारे रेडियोएक्टिव हैं? नहीं।
एक आपका रेडियो एक्टिव है जिसका नाम है प्रोमीथियम, नोट करो इसको। चलो एक तो कैमरे में होगी नहीं, पता भी नहीं चलता मुझे, दिख भी नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ एक कैमरा दिख रहा है जिसमें मैं देख रहा हूँ, और ये बोर्ड इतना बड़ा है जो हो गया। अब देखो जो मैं पूछ रहा था, अगर मैं 103 के बाद 104 लाता हूं तो उसका बन जाएगा यू एन क्यू, और अगर 112 तक लेकर आऊं तो यू यू बी, ये कौन से ब्लॉक के होंगे? तो आंसर आएगा ये डी ब्लॉक के होंगे, 104 से लेकर के 112। ठीक है, 12 हम 112 भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे को 112 तक एलिमेंट पता है। ये ऐसी कैसी बात मैंने एक बार बोली थी है ना, 31 दिसंबर को पढ़ा रहा था मैं, ये जब नया स्टार्ट होता है ना, नर्चर बैच शुरू होता है नवंबर में, तो दिसंबर तक आते आते ही आ गया था, और मैंने बोला 112 एलिमेंट होते हैं, और मैं गया और 31 दिसंबर को रात को 12 बजे अनाउंसमेंट आया आईयूपीएससी का, जिसके अंदर ये आया कि पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई है, 118 तक एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, और पीरियोडिक टेबल में पहला ऐसा एक साइंटिस्ट है जिसको, एशिया का ऐसा साइंटिस्ट है जिसको नाम, जिसका नाम दिया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और वो जापानी साइंटिस्ट है। आपका होमवर्क है ये, कौन सा वैसा साइंटिस्ट था, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या था, 113, कौन सा एटॉमिक नंबर था, 113, 113वां एटॉमिक नंबर जो है उसका नाम जापान के साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, और वो 31 दिसंबर 2000 अभी 18 के, हाँ 17 या 18 के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गई थी है। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी भी 112 ही है, इसलिए मैं 118 लिख रहा था, मैंने हटा दिया, फिर 112 ही है, 112 तक ही मान के चलना है। आपकी सारी जो भी हम बात कर रहे हैं, जितनी भी बातें हम बोलते हैं, लाइक इतने सॉलिड हैं, इतने लिक्विड हैं, इतने ये हैं, वो सब 112 के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हो गए। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट में आपको समझ में आ गया कि एक्टिनाइट सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेंथेनाइट में सिर्फ एक प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, नोट कर लो इसको। चलो हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी दो तीन, वो आपको इसमें पता होनी चाहिए। जैसे मेन मेड बोल रहे हैं अपन बार बार, तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट कौन सा था, तो वो था टेक्नीशियम, डी ब्लॉक एलिमेंट था, मैग्नीज टेक्नीशियम रही, मैग्नीज टेक्नीशियम रही, मैग्नीज टेक्नीशियम रही, टेक्नीशियम। तो फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट जो था वो कौन सा था, टेक्नीशियम, और वो डी ब्लॉक का था। और अगर फर्स्ट मेन मेड लेंथेनाइट पूछे तो वो कौन सा था, फर्स्ट मेन मेड लेंथेनाइट जो था वो था प्रोमीथियम। फर्स्ट मेन मेड लेंथेनाइट जो पूछा तो वो कौन सा था, बोलो प्रोमीथियम। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किस ग्रुप में आते हैं, तो वो होता है फर्स्ट ए। अभी क्यों आते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा बाद में। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे तो इन पर प्लस आसानी से आएगा, अगर इन पर प्लस आसानी से आएगा, अगर इन पर प्लस आसानी से आएगा तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही तो हुए, तो इनको सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लो ये तीन बातें, प्रोमीथियम क्या था, फर्स्ट लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव, और फर्स्ट मेन वेड एलिमेंट कौन सा था, टेक्नीशियम, नोट करो। चलो हो गया होगा। अब
अब मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात की तो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव की भी बात कर लो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो कौन सा है? हेलोजन, ये वाला ग्रुप। इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे तब आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, या यू कहें कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा गैसेस पाई जाती हैं? तो जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा गैसेस पाई जाती है, क्योंकि सभी गैस होती है वो। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ग्रुप बताओ जिसकी वैलेंसी जीरो होती है, जीरो वैलेंसी। तो वैलेंसी जीरो वाला भी जीरो ग्रुप ही होता है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल हम आगे जाएंगे तो आजकल इनकी वैलेंसी कुछ एलिमेंट की 8 भी आ रही है, लेकिन ग्रुप वैलेंसी अभी भी जीरो है। पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी 8 है, जैसे जीनोन, जीनोन 8 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ग्रुप वैलेंसी की बात हो रही है तो ग्रुप वैलेंसी जीरो ही बोली जाती है। नोट कर लो इसको, तीन बातें नोट करनी है आपको। पहला, सबसे ज्यादा गैसेस एलिमेंट किस ग्रुप में मिलते हैं? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप की वैलेंसी कितनी है? जीरो। और तीसरा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन है? HCl, यानी कि हेलोजन फैमिली। हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका नाम है ब्रिज्ड एलिमेंट। नीचे लिख दो ऐसे, नोट करो इसको। दे आर कॉल्ड ब्रिजिंग एलिमेंट्स, ब्रिज्ड एलिमेंट। क्या कहलाते हैं ये? ब्रिज एलिमेंट। मेंडलीफ को अगर याद हो तो मेंडलीफ ने क्या करा था, हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, और सब ग्रुप में इसका नाम होता था फर्स्ट ए और इसका नाम होता था फर्स्ट बी। ठीक है, तो ये देखो आप, इसके लास्ट में भी 4s1 आएगा और इसके लास्ट में भी 4s1 आएगा, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन था। यहां पर भी लास्ट में देखो 4s2 आएगा, यहां भी 4s2 आएगा। तो इन एलिमेंट्स को बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, मतलब वो इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो ब्रिज्ड एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? ब्रिज्ड एलिमेंट क्या होते हैं? सिमिलर, बोलो सिमिलर, जल्दी बोलो, नोमेनक्लेचर, सेम नोमेनक्लेचर रखेंगे ये। इनका सबका नाम ब्रिज्ड एलिमेंट एक ही आएगा, और सिमिलर
जो है वो क्या रखेंगे बताओ, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या रखेंगे, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप ब्रिज्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा इसके साथ भी, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रखेगा इसके साथ भी, क्योंकि इसका भी 3s1 आएगा, इसका 3s2 आएगा, तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन s2s2। इसका भी देखो आप क्या आएगा, p1 और यहाँ लास्ट में d1 आता है, 4s2 3d1, यहां पर भी 3s2 3p1। तो ये ब्रिज्ड एलिमेंट कहलाएंगे क्योंकि ये इन दोनों के साथ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नोमेनक्लेचर रख रहे हैं। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ये ब्रिज्ड एलिमेंट भी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ब्रिज्ड एलिमेंट। तो ब्रिज्ड एलिमेंट्स हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलर नोमेनक्लेचर, तो ये ब्रिज्ड एलिमेंट भी आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो। अब आपसे पूछेगा कि गैसियस एलिमेंट कितने हैं इसमें बताओ, पीरियोडिक टेबल में गैसियस एलिमेंट कितने हैं, तो गैसियस एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, प्लस नोबल गैस, तो टोटल 11 एलिमेंट आ जाएंगे। ये 11 एलिमेंट क्या होते हैं, गैसियस एलिमेंट। लर्न करो इसको फटाफट, जल्दी माइंड में जल्दी बिठाओ, जल्दी। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है अगर याद हो तो, जो लिक्विड होता है, मर्करी ये भी लिक्विड होता है, याद होगा, फ्रॉन्शियम ये लिक्विड होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, ये रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं मैं, ये करीब 27 डिग्री के आसपास, यानी अंडर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या होते हैं, लिक्विड, लेकिन ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही होते हैं नेचुरल, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। हो गया, अगर मैं आपसे पीरियोडिक टेबल में सॉलिड पूछूं कि कितने हैं, तो आपका सॉलिड 95 सॉलिड मान लो, इफ 112 एलिमेंट हैं, हम अभी 112 तक हम स्टडी करते हैं, बताया था ना मैंने, तो 112 अगर आप मानोगे तो 95 सॉलिड्स पाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, नोट करो इसको जल्दी। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ गैसें ही पाई जाती हैं, अगर आपसे पूछ ले तो, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ गैसियस पाई जाती हैं और कुछ नहीं पाया जाता बताओ, तो वो आपका जीरो ग्रुप आ जाएगा, जीरो या 18th ग्रुप, ओनली गैसियस एलिमेंट, जीरो ग्रुप आपके पास ऐसा होगा जिसमें सिर्फ क्या पाई जाएंगी जल्दी बताओ, गैसें, क्या पाई जाएंगी जल्दी बताओ, गैसेस, क्या पाई जाएगी जल्दी बताओ, और अगर सेकेंड पीरियड के अंदर गैस पूछ ले तो आपको पता है क्या क्या पाई जाएंगी जल्दी बताओ, सेकेंड पीरियड में अगर गैस पूछी जाए तो, NOF और NE, क्या क्या पाई जाएंगी बताओ, NOF और NE, और अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो अभी बताया भी था मैंने कि थर्ड जो होता है B वो लार्जेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों आते हैं, इसमें क्या होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों आते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप होगा ये, नोट करो इसको।
अब ये आपने क्या पढ़ा पता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल और सब एक ही मानना है आपको, मतलब यही चलेगी अब एक, है ना। इसमें एक खास ड्रॉबैक था, पहला हाइड्रोजन की पोजीशन यहां भी सेटिस्फाइड नहीं थी, हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी गई। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की भी कोई पोजीशन नहीं आई थी, आज भी वो नीचे ही पड़े हुए हैं। हीलियम जो होता है उसका भी केस अभी गड़बड़ है। अकॉर्डिंग टू कॉन्फिगरेशन ये हीलियम एस ब्लॉक का है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन ने कहा रखा हुआ उसको पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप में, याद करो कहा रखा हुआ है पी ब्लॉक में, जबकि जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्फिगरेशन। तो कॉन्फिगरेशन के हिसाब से हीलियम एस ब्लॉक में आना चाहिए था, लेकिन रखा कहा है वो पी ब्लॉक में, ठीक है। और पी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है तो ग्रुप उसका 18 कहलाता है, ठीक है ना। तो ग्रुप क्या कहलाता है, 18। तो ये इसके पीरियोडिक टेबल हो गई, यानी अब आपके कंप्लीट पीरियोडिक टेबल खत्म हुई है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चार तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। चार पढ़ेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।